नाथ, वेलकम टू अ स्टेशनरी हॉल, आपका सबसे फेवरेट वीडियो ऑन माय चैनल। एंड आज मैंने लिया आई शॉप ओनली पिंक स्टेशनरी चैलेंज। इसके लिए मैं गई थी मिनीसो एंड ट्रस्ट मी, पेमेंट करते वक्त मेरा जान जल रहा था बिकॉज हम दोनों जानते हैं कि मिनीसो बहुत एक्सपेंसिव है। बट मैं लोकल स्टोर्स में गई ना, वहाँ का सारा स्टेशनरी हम ट्राई कर चुके हैं। सो यू हैव टू हेल्प मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर न्यू स्टेशनरी आइडियाज बिकॉज दिस ऑल्सो गिव अवे इफ यू गिव अ गुड वन। तो लेट्स स्टार्ट ये वाला वीडियो। मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं जा रही, जैसे जैसे चीजें मेरे हाथ में आ रही है आई एम गोना शो देम टू यू। तो सबसे पहली चीज मुझे मिली ये सीजर विद अ सेफ्टी कवर। मैं बचपन से ऐसे सीजर्स यूज करते हुए आ रही हूँ जिसका कवर हो, एंड मैंने मेरे दोनों घुमा दिए। एक मैंने गराज सिर के वह घुमा दिया और एक मृदुल के पास पड़ा है और मेरे पास उसके कपड़े पड़े हैं। सो वी हैव टू गो एंड एक्सचेंज बोथ ऑफ दोस। बट आई रियली लाइक दिस वन, काफी शार्प है और इसका कवर भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट मुझे ये कैमरा वाला नोट पैड मिला, इसका जो ग्लिटरी पार्ट है ना बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड अंदर से भी इसके पेजेस प्रिंटेड है। ओह देन आई हैव दिस सुपर क्यूट नोटबुक जिसके ऊपर ऐसा गोल्ड रिफ्लेक्टिव में लिखा है दिस एंड दैट, मतलब ऐसा काफी कैजुअल कोट है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड अंदर एकदम प्लेन सिंपल पेजेस, एंड पेजेस जाड़े भी है इसके। कमिंग टू मोर स्पेसिफिक, ये वाला स्पाइरल बाउंड बुक है जिसके ऊपर गोल्डन पोलका डॉट्स है एंड इसका स्पाइरल भी गोल्ड है। इसके ऊपर लेकिन लिखा है फूड एंड एक्सरसाइज, ऑल्दो हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं जेन्युइनली इसके अंदर मेरा डाइट प्लान और मेरा एक्सरसाइज प्लान लिखने का सोच रही हूँ क्योंकि इसके अंदर पेजेस तो एकदम सिंपल ही है। लेकिन इसका जो कवर है ना, इसका थोड़ा सा फेक लेदर वाला फिनिश है तो काफी से लग्जूरियस लगता है। नेक्स्ट आई गॉट दिस आइसक्रीम वाला पेन जो दिखता है ऐसा कुल्फी जैसा है लेकिन ऊपर से खुल के ये पेन बन जाता है। जब मैंने खरीदा था तब इस पे सील जरूर था, तो आई मेड श्योर कि ये यूज्ड और सूखा हुआ पेन नहीं है। अगर आप मिनीसो से कभी भी पेन लेते हो तो प्लीज चेक करके लेना, क्योंकि सिंस वो ओपन में पड़े रहते हैं काफी बार वो सूख जाते हैं। नेक्स्ट आई फाउंड दिस गिफ्ट सेट, एक्चुअली मैंने काफी महीनों पहले मेरी एक फ्रेंड को भी गिफ्ट किया था एंड आई वॉन्टेड वन फॉर मी तभी, पर मैंने लिया नहीं तो मैंने ये टाइम ले लिया। एंड ऑल्दो इसके ऊपर ऐसा ग्रीन और पर्पल थोड़ा सा है, इसे पिंक भी है, तो प्लीज चला लेना, वरना मैं सिर्फ पिंक नोटबुक्स के साथ वापस आती अगर मैं इतना स्ट्रिक्ट रहती तो। एंड ये सेट के अंदर हमें एक ऐसा नोटपैड मिलता है, स्टिकी नोट्स नहीं है, नॉर्मल नोटपैड है, बट काफी क्यूट है, लाइक प्रिंटेड है। एंड यहाँ पे एक्चुअली तीन अलग कंपार्टमेंट्स थे, एक बड़े वाले पेपर क्लिप्स का ऐसे वाले, एक जूट बोर्ड के पिंस का, एंड द थर्ड वन इज वो छोटे चपटे वाले पेपर क्लिप्स, बट अभी फिलहाल सब मिक्स हो गया है। बट हाँ, इसका जो ये बंद करने वाला है ना वो भी मैग्नेटिक है, तो काफी क्यूट है यार ये, मतलब इमेजिन ये आपने डेस्क पे रखा होगा तो कितना मस्त लगेगा। ओ नेक्स्ट आई फाउंड दी स्टिकर्स, यूजुअली स्टिकर्स ना 200-250 के होते हैं वहाँ पे, बट ये वाला पूरा पैक 90 रुपीज का था, प्लस ये अल्फाबेट वाला है, तो आई न्यू कि ये मैं कैसे ना कैसे तो यूज कर ही लूंगी, एटलीस्ट मेरा नाम एक बार तो मैं लिख सकती हूँ उसमें, एंड जो एच है उसमें पिंक था तो दिस इज अलाउड। नेक्स्ट है ये पाउच, ये मैच वाले पाउच ना काफी काम आते हैं क्योंकि इसमें से देख सकते हैं कि अंदर क्या है एंड बार बार पाउच खोलना नहीं पड़ता। ऑलवेज चेक द जिप बिफोर बाइंग अ पाउच। आई फाउंड दिस सुपर कूल नोटबुक, तो जब ये प्लास्टिक के अंदर था ना मुझे लगा कि ये पेंसिल पाउच इसके साथ में फ्री दिया है, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये पेंसिल पाउच एक हिस्सा है ये बुक का, मतलब ये हमेशा ऐसे इसके साथ रहेगा। तो अगर आपको ये वाली स्टेशनरी का क्वालिटी पसंद नहीं आता तो आप ये हटा के अपना खुद का डाल सकते हो, आपका फेवरेट पेन डाल सकते हो, एंड देन है आपका नोटबुक। अंदर से इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ लाइन वाले पेजेस है बट पिंक लाइंस है, तो थोड़ा सा छोटा सा थीम है। फिर मुझे मिला ये तीन नोटबुक्स का सेट, एंड तीनों का कवर ना फेक लेदर जैसा फिनिश है, मतलब 200 रुपीज में तीन बुक्स, ऐसा बहुत रेयरली होता है मिनीसो में। तीनों के तीनों नोटबुक्स के अंदर सिंपल पेजेस है बट इसका जो कवर है ना वो पूरा पैसा वसूल कर देता है। फिर मिनीसो एंड मार्वल का कोलैबोरेशन काफी टाइम पहले निकला था बट अभी तक इन्फिनिटी वाले मिनीसो में तो चल रहा है वो, उसमें मुझे मिला ये पिंक कलर का पेंसिल पाउच जो आई थिंक कैप्टन मार्वल का लोगो है इसके ऊपर, जब भी इसको खोलते हैं इसके जिप के ऊपर भी मार्वल का लोगो है एंड अंदर से काफ़ी जगह है। द पाउच क्वालिटी इज़ एक्चुअली क्वाइट नाइस, सिलिकॉन पाउचेस अगर चाहिए हो ना तो मिनीसो इज़ अ गुड प्लेस। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे इसके लिए पे करना वर्थ लगा क्योंकि एटलीस्ट ये बड़ा तो है। एंड सेकेंड मुझे जो मार्वल में चीज़ मिली वो थी ये नोटबुक, छोटी सी है तो आई वॉज हेजिटेंट कि भाई मतलब छोटे नोटबुक का इतना पैसा, एंड फिर जब खोल के देखा तब मालूम पड़ा कि नहीं, एफर्ट डाला है, अंदर के पेजेस में भी ऐसे छोटे छोटे लोगोज है, तो देन मेरा मन ऐसे शांत हो गया। आई गॉट दिस पैड,
एंड आई नो अगेन इस पे और कलर्स है बट इस पे पिंक भी है, तो आई अलाउड माई सेल्फ क्योंकि बाकी सारे ब्लू और येलो कलर के थे जिसमें बिल्कुल भी पिंक नहीं था, तो दिस इज द ओनली वन. आई लाइक द कोट कि हे गेट अहेड, मतलब इट्स गोना मोटिवेट यू टू डू समथिंग अगर आप बोर्ड फील कर रहे हो. एंड किसी भी चीज़ पे ऐसा रिफ्लेक्शन वाला ग्लिटर आता है ना, तो एक थोड़ा सा क्लासिक फीलिंग दे देता कि हाँ थोड़ा महंगा होगा ये शायद. आडा वाला पैड जल्दी से देखने नहीं मिलता है, तो दिस वॉज अ थोड़ा सा यूनिक परचेज. देन आई गॉट दिस होल सेट ऑफ स्टिकी नोट्स, मोस्टली हाँ ये सारे के सारे स्टिकी नोट्स है अलग साइजेस के, अलग टाइटल्स के साथ. साबुदाना आई थिंक ये ऑफिस स्टेशनरी के लिए बहुत स्मार्ट चीज़ है क्योंकि डिपेंडिंग आपके यूजेज के ऊपर आप अलग स्टिकी नोट यूज़ कर सकते हो. जैसे ये वाला आप बुक मार्क के लिए यूज़ कर सकते हो, लाइक आपके बुक के साइड पे कि ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड जिस पे इम्पॉर्टेंट लिखा है वो आप आपके फाइल्स में डाल सकते हो और टू गिव समवन इंस्ट्रक्शन कि ये करना बाकी है, ये ज़रूरी है. एंड द बिग वन विच सेज मेमो, आप उस पे आपका टाइम टेबल लिख सकते हो. तो आई रियली लाइक्ड इट कि इतने सारे अलग अलग स्टिकी नोट्स एंड ये कंटेनर भी फ्री मिलता है, तो आप बाद में आपके खुद के लेके रिफिल कर सकते हो. तो दिस वॉज वन पैसा वसूल आइटम एज वेल. फिर नोटबुक्स की बात करें तो मुझे ये दो नोटबुक का सेट मिला 190 रुपीस में. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट नोटबुक्स एट मिनीसो. एंड इसका कवर क्या शाइनी है मालूम है, एकदम ऐसा ग्लॉसी फील देता है, तो थोड़ा सा मुझे अलग फील आया कि पॉश वाला फीलिंग आया. एंड इसके अंदर भी ऑल द पेजेस आर प्रिंटेड विद द बेयर लोगो, तो वो भी अच्छा है कि मतलब पेजेस में भी एफर्ट डाला है. तो आई कांट बिलीव ये सिर्फ 95 रुपीस का एक नोटबुक मिला. देन आई गॉट दिस प्लानर, बहुत क्यूट दिखने वाला है. इसके ऊपर मेरा फेवरेट गोल्ड रिफ्लेक्टिव प्रिंट है, मुझे इसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम यार, लेकिन अंदर खोल के बहुत ही एस्थेटिक सा टाइम टेबल है. आप भर भर के इसको फाड़ सकते हो, तो आई लाइक दैट. नहीं फाड़ना तो मत भी फाड़ो क्योंकि स्पाइरल है, तो यू कैन कीप गोइंग, बट आई लाइक इट यार. एंड प्लस इसका जो बैक कवर है उस पर भी ऐसे पिंक पोलका डॉट्स है, तो इट फिट्स, चल जाता है. हे माय पिंक पेन, वेयर इज माय पिंक पेन? एक और पिंक पेन था. व्हेयर डिड यू गो? ओह माय गॉड, आई गॉट अ जेन्युइन पिंक पेन जो सिर्फ पिंक दिखता नहीं, पिंक लिखता भी है. एंड बहुत इसका बाहर से मैट फिनिश है, तो इट फील्स नाइस. एंड इसका जो इंक है वो भी स्मूथ है. ओ देन वी हैव दिस वेरी फन एंड वियर्ड शार्पनर, मतलब इसे डेस्क पे पड़ा रहेगा तो कोई सोचेगा कि ये क्या रखा है डेस्क के ऊपर, लाइक व्हाट इज दिस, इज दिस अ टॉय? बट फिर आप जब साइड से देखोगे इसके बाल हटा के, जुल्फे हटा के, देर आर टू डिफरेंट शार्पनर होल्स, एक यहाँ पे और एक इसके सामने. आई थिंक एक लॉन्ग पॉइंट के लिए होगा और एक शॉर्ट पॉइंट के लिए. एंड देन जब इसको नीचे से खींचते हैं तब जाके आप कचरा फेंक सकते हो इसमें से. तो मुझे जितना ये वियर्ड लगा था अब उतना वियर्ड नहीं लगता, बट इट्स वेरी क्यूट यार. एंड अगर प्योर प्योर पिंक शार्पनर चाहिए तो ये वाला भी था वहाँ पे. इसमें एक और डिज़ाइन था बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया. ये एक फ्लेमिंगो है, इसके भले पैर नहीं है तो दिस कुड बी अ स्वान ऑल्सो, बट एक पिंक बर्ड है जिसके पीछे ऐसे शार्पनर है. एंड बिकॉज ये सिलिकॉन और फोल्डिंग वाला है ना, मेरे को ऐसा फीलिंग था कि इसको निकाल के खुद का भी शार्पनर डाल सकते हैं, बट नहीं, ये एकदम ऐसा जड़ा हुआ है अंदर. और फिर एक बहुत ही अलग और यूनिक सा आइटम मिला, ये नोट्स है, ये एनवलोप टाइप स्टिकी नोट्स है कि इसको आप फोल्ड करके एनवलोप भी बना सकते हो. क्या इसे गिफ्ट पे डालना है, क्या ये एक फनी गिफ्ट टैग है, या इसका क्या यूज है, मैं कंफ्यूज हूँ. तो अगर आपको मालूम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. सेकंड लास्ट आइटम है ये आइसक्रीम वाला नोट पैड. इट्स क्यूट, मतलब एवरी टाइम मैं ऐसा आइसक्रीम का शेप देखती हूँ मुझे वो पूप इमोजी का याद आता है. एंड इसका कोन ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं, कलरफुल है. एंड खोल के अंदर पेजेस आर पिंक, तो मैं बच गई कि इवन दो देयर आर अदर कलर्स, मेनली इट इज पिंक. एंड लास्ट चीज एक्चुअली काफी कूल है, वो है ये फ्लोरल प्रिंट वाला फोल्डर. एंड सरप्राइजिंगली ये सिर्फ 60 रुपए का था, वरना ये 150-200 का मिलता था जहाँ तक मैं मिनीसो को जानती हूँ. पर मुझे ये बहुत पसंद आया. एंड मैंने मेरा फाइलिंग इतना डिले किया है मालूम है, मेरे बेडरूम में अभी 100 पेजेस पड़े हैं जिनको फाइल करना था. तो आई थिंक मैं सारे पेजेस इसमें स्टफ कर दूंगी, तो एटलीस्ट मुझे मालूम होगा कि सारे पेजेस एक जगह पे है. तो आई लाइक दिस वन अ लॉट. एंड बोनस आइटम, यू नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद मिनीसो के नेल पॉलिश. एवरी टाइम मैं मिनीसो जाती हूँ मैं एटलीस्ट एक नेल पॉलिश लेके आती हूँ वापस, इफ़ दे हैव अ न्यू कलर. एंड ये टाइम मुझे दो अच्छे वाले मिल गए एंड दोनों पिंक है,
तो दे आर अलाउड इन दिस चैलेंज. यूजुअली ऐसे कलर्स ना वो प्रिंसेसेस एंड क्वींस जो ऐसे यूके के हैं ना ब्रिटेन के, वो लोग ऐसे कलर्स पहन के घूमते हैं. बट आई एक्चुअली लाइक दिस बिकॉज ऑफ माय मॉम, क्योंकि वो नया ऐसा मैनिक्योर करा के आए थे एंड ऐसा कुछ शेड था. तो व्हेन आई शोड दिस टू मॉम शी गॉट सो हैप्पी एंड आई एम लाइक मैनिक्योर के जो बैलेंस के पैसे वो मेरे, बिकॉज मैं लाई नेल पॉलिश एंड ये सिर्फ 90 rupees ईच की होती है वहाँ पे. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कम बैक विद 1 or 2 नेल पॉलिशेस. बट ये था मेरा आई बाय ओनली पिंक स्टेशनरी चैलेंज. फॉर दिस वीडियो मैं ये सारी चीज़ों का गिव अवे कर रही हूँ एंड ऑल यू हैव टू डू टू एंटर दिस इज कॉमेंट यही पिक्चर पे इंस्टाग्राम पे एक मस्त सा स्टेशनरी वीडियो आइडिया, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अभी स्टेशनरी के ऊपर क्या वीडियो बनाओ इसके लिए. तो अगर आपका कॉमेंट बहुत ही अच्छा आइडिया होगा तो शायद आप ये पूरा हैम्पर जीत जाओगे. बट अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया देन दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, goodbye!